नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर नहीं है जागरूक लोग, नजफगढ़ में लापरवाही से वाहन चलाते पाए गए। जाफरपुर स्थित रातुलाराम हॉस्पिटल में डेंगू से निपटने के हैं पुख्ता इंतजाम, रोगियों ने भी की अस्पताल की जमकर तारीफ। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम, मिस गीता कपूर ने भी की गणपति की स्थापना। खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इसका डीएनए टेस्ट किया जीएनएन न्यूज की टीम ने। और इस रियलिटी टेस्ट में जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। ये है नजफगढ़ का फिरनी रोड और जो दृश्य आप देख रहे हैं वो खुद ही बयां करता है कि आखिर क्या हालात है ट्रैफिक नियमों की। ना ही इन्हें किसी का डर दिखाई देता है और ना ही ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ कोई ट्रैफिक कर्मी मौजूद नहीं तो यह देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि थाना मुजफ्फरगढ़ के सामने खड़े ये ट्रैफिक कर्मी भी शायद यहाँ इनके आगे बेबस नजर आते हैं। खैर, हेलमेट का पहनना महज एक चालान से बचना नहीं बल्कि अपनी भी जान की हिफाजत करना है, बस इतनी सी बात को लोगों को समझना होगा। जीएनएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। डेंगू को लेकर बीमारी से सरकारी तक मामला गर्म है। सभी अस्पतालों में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मरीज बदतर हालत में हैं। लेकिन इसी बीच एक सुखद खबर, जाफरपुर स्थित रावतुलाराम हॉस्पिटल में जहां पर पहुंचे मरीजों ने अस्पताल के इंतजाम की जमकर सराहना की। यह है रावतुलाराम हॉस्पिटल का डेंगू वार्ड। इन तस्वीरों को देखकर आपको सहज ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ के इंतजाम कितने पुख्ता हैं। जब जीएनएन न्यूज की टीम ने यहाँ के अस्पताल के रियलिटी टेस्ट को चेक किया तो टेस्ट के दौरान कोई खामी नजर नहीं आई बल्कि रोगी भी अपने इलाज से संतुष्ट दिखाई दिए। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, क्या हुआ आपको? मेरे को डेंगू हो गया सर। यहाँ अस्पताल में कब से आप? 4 दिन हो गए सर। यहाँ इलाज आपको जो मिल रहा है उससे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सब बढ़िया है सर, ऐसे अच्छी तरह से इलाज होना चाहिए जनता का। अस्पताल के MS संजीव जैन ने बताया कि डेंगू आखिर है क्या बला। डॉक्टर संजीव कुमार जैन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रावतुलाराम हॉस्पिटल। डेंगू को लेकर आपके हॉस्पिटल में कितने केसेस आ रहे हैं और क्या पोजीशन है? OPD के अंदर फीवर के बहुत केसेस आ रहे हैं, जहाँ आजकल रोजाना 400 से 500 के बीच में पेशेंट्स आते हैं फीवर के। हमारे पास 2 सेपरेट फीवर क्लिनिक बना रखे हैं और वहीं पर हमने टेक्नीशियंस को और सैंपल कलेक्शन का भी प्रोविजन कर रखा है। वार्ड के अंदर हमारे पास डेंगू के आज के दिन में 40 बेड्स है। 40 बेड्स में 30 बेड्स आज ऑक्यूपाइड है। कि हमारे पास 9 कंफर्म केसेस और 21 केसेस सस्पेक्टेड है। डेंगू को लेकर MCD चेयरपर्सन तिलोत्मा चौधरी और डिप्टी चेयरपर्सन माया देवी ने भी GNN के समक्ष अपनी बात रखी। GNN न्यूज चैनल जो लॉन्च हुआ है इसका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि ये इस तरह की प्रचार लोगों तक करवाने में योगदान दे रहा है जिससे हम महामारी से बच सकते हैं और डेंगू क्षेत्र में फैलने से बचेगा और लोग इसकी प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान देंगे। दोबारा से GNN चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती माया देवी, डिप्टी चेयरमैन GNN न्यूज़ के माध्यम से जनता में एक मैसेज करना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको फुल स्लीव्स के कपड़े, हमारी बहन जी ने भी बोला है, मैं भी बोल रही हूँ, उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और अपने घर में जो हम चिड़ियों को पानी पीने का जो बर्तन रखते हैं उसको जरूर रात को खाली करके ढक के रखें, उसको उल्टा करें। डेंगू को लेकर भले ही हालात कुछ भी हो लेकिन रावतुलाराम हॉस्पिटल के हालात तो मजबूत ही दिखाई देते हैं। जीएनएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।
गणपति उत्सव मुंबई का एक ऐसा पर्व है जिसे हर मुंबई वासी झूम के मनाता है, और इसी सिलसिले में जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे गीता कपूर के पास तो उन्होंने भी अपने कुछ सीक्रेट खोले। गणपति उत्सव का ऐसा पर्व है जिसे हर मुंबई में झूम के मनाता है, और इसी सिलसिले में जब हमारे रिपोर्टर मुंबई मलाड़ की रहने वाली के पास तो उन्होंने की महिला अपने कुछ सीक्रेट खोले। गणपति उत्सव को लेकर की माने तो उन्होंने मुंबई में पिछले 17 सालों से लगातार अपने घर में गणपति की स्थापना मुंबई मलाड़ हमारे रहने वाली संतोष मिश्रा ने आई। जब महिला गीता कपूर से बात की, महाराजों ने बताया की मान उनका मानना है कि पिछले 17 सालों से लगातार लाखों रुपए खर्च करने के बजाय की है सूखे हमारे किसानों की मदद के लिए लोग आ गए। गीता कपूर से बात खुशी होगी, उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि बप्पा के पंडालों पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय सूखे से पीड़ित किसानों की मदद के लिए लोग आ गए हैं, उन्हें ज्यादा खुशी होगी। महिला आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता कपूर जी हैं। आइए जानते हैं इन्होंने अपने घर में गणपत बप्पा मौर्या का स्थापना किया हुआ है और बहुत साले से करती आ रही तो खुशी होती है। जानते हैं गीता कपूर जी से, तो मैं चाहती हूँ कि खुशी से शांति से गणपति ये करे। 17 साल हो गए और ज्यादा खर्च ना करे सार्वजनिक गणपति, अपने हिसाब से काम करे तो खुशी होती है। किसान है, किसान हमारे खुशी से शांति से मदद करे। दुष्काल जो गिरा है, पानी नहीं आए, बारिश नहीं आई, सार्वजनिक गणपति उनके लिए मदद करे, अपने हिसाब से काम करे, शाइनर गिरी करे नहीं। किसान है हमारे, उनको मदद करे। दुष्काल जो गिरा है, पानी नहीं आए, बारिश नहीं आई, उनके लिए मदद करे, ज्यादा शाइनर गिरी करना चाहिए। मैं जानती हूं, संदेश देना चाहती हूं, लेकिन एक दूसरे का दर्द भी जानना चाहिए, एक दूसरे के पड़ोस में, नेबर्स में दुख सुख में साथ देना चाहिए। ये पहला धर्म होता है, इसके लिए पूजा करना चाहिए। मैं जानती हूँ, पूजा भी करो, एक दूसरे का दर्द भी जानना चाहिए, किसी के पास दूसरे के पड़ोस में, नेबर्स में, कपड़ा मकान दुख सुख में साथ देना चाहिए। ये पहला धर्म होता है कि परमेश्वर से जो ये कहता है करो, पूजा भी करो और लोगों के ऊपर ध्यान भी दो, किसी के पास दुख सुख, रोटी कपड़ा मकान किसी के पास कमी है उस चीजों की, तो अपने से जो होता है वो मदद करो। तो फिलहाल खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNN News।